What a strike from Arathunde Santana. His first goal in India is one he'll never forget. Deft touch again. Good run. Gisco in the box. He's got sight of goal. And he scores. Absolutely stunning opening for the visitors. All from this man, Francisco Hernandez. He gets on the score sheet. Comfortably motion. Oh, that is the pass of the game. Jerry's clear. He's looking. Now the support comes and the delivery is exquisite. That is one of the best build-ups in season six. And Arivani. Better now from Odissa. The Argentine. It's a great pass. Jerry looping it in. Free header. Goal. 4-1. It's double trouble here. Arivani has done it. He's an equal top scorer now with David Williams in the Hero Indian Super League. And that is almost an impossible. Gisco, Martin Perez, Arivani! Arivani Santana! Ek gazab ka goal! Dono ki barabari Marina Arena par! Aur jaise jaise barish ho rahi hai, goals ki bauchhaar bhi hoti hui. Click on header. Nanda ke liye charge karne ka mauka. विकल्प दोनों तरफ लेकिन बहुत ज्यादा वक्त लिया वहां नंदा ने लेकिन फिर भी संचारा को मिला मौका संचारा ने दी फिनिश पढ़ा तोड़े शको कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में सीजन का पहला गोल होम टीम के नाम मैन ऑन मैन काफी देखने मिल रहा है यहाँ पे लेकिन जो मूवमेंट होने चाहिए वो मूवमेंट अच्छे हो नहीं पा रहे नंदा क्रॉस और मजेदार वॉली धमाकेदार वॉली गोली जैसी वॉली और गोल ओडिशा की माय गॉड क्या कमाल का शॉट मेरे ख्याल से अब तक के हीरो इंडियन सुपर लीग का सबसे बेहतरीन गोल मुझे ये गोल बार बार देखना पड़ेगा क्योंकि क्या कमाल का कनेक्शन था वाओ क्या वॉली अरिडाने जिसको खेले फर्स्ट टाइम बॉल जिसको बना मैटो गर्गिच अंदर प्रवेश किया बॉक्स में जिसको अरिडाने ओडिशा ने उड़ान भर दी अरिडाने उनके सबसे बेहतरीन गोल स्कोरर एक और आसान सा गोल क्रॉस के तहत और क्रॉसेस का सिलसिला बरकरार वही फिर से क्लीन शीट नहीं अमरिंदर के पास 1-0 की बढ़त ओडिशा एफसी के नाम अरिडाने के लिए मौका जिसको कलिंगा स्टेडियम में कारनामा जिसको का 2-0 पांचवा गोल इनका अहम योगदान एक बार फिर से जिसको हर्नांडिस ओडिशा एफसी के लिए एक और लाजवाब गोल और अब क्या मुंबई वापसी कर पाएगी कि नहीं अभी तक अपराजित थी घर के बाहर शायद वो रिकॉर्ड आज टूटने वाला है लंबी थ्रो आई गुरतेज और अब सेव और लीजिए जवाबी हमला अरिडाने द्वारा आठवां गोल उनका और शायद सबसे अहम इस सीजन साथ ही साथ एक येलो कार्ड भी दिखाया गया है फिर से वही तालमेल की कमी और डिफेंसिव मिस्टेक्स के चलते हैदराबाद एफसी गोल खा बैठे और तो और येलो कार्ड भी मिला है डेब्यूटेंट डिंपल भगत को दो पेनल्टी हो चुकी हैं इस गेम में क्या अरिडाने कन्वर्ट कर पाएंगे अरिडाने अरिडाने दो हैदराबाद एफसी एक अरिडाने गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे अब 9 गोल के साथ